हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आइसक्रीम मशीन का लेके आया हूँ दोस्तों, जिसके अंदर से आप आइसक्रीम मशीन में से होलसेल बिजनेस कर सकते हो, अपना एक होलसेल का पैकेजिंग का एक बिजनेस कर सकते हो, रिटेलिंग भी कर सकते हो और होलसेल भी कर सकते हो। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी रेसिपी बनाऊंगा, कैसे आइसक्रीम बनता है, कैसे मटेरियल बनता है, कैसे उसको फ्रूट टेस्ट का आइसक्रीम बनाना है और कैसे पैकेजिंग करके मार्केट में सेल करना है। एक लीटर कितने का मेकिंग होता है और एक लीटर कितने में सेल होता है, होलसेल का आइसक्रीम कैसे सेल होता है, कैसे मेकिंग होता है, तो ये वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। ये इसके अंदर से आप नेचुरल आइसक्रीम बना सकते हो, जैसे स्ट्रॉबेरी नेचुरल फ्रूट है, गवावा है, बनाना है, कोई भी नेचुरल फ्रूट का आइसक्रीम ये मशीन के अंदर से आप बना के नेचुरल क्वालिटी, फ्रेश क्वालिटी अपने कस्टमर को शो और सर्व कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि अभी हमने इसमें स्ट्रॉबेरी यहां पे रखा हुआ है, हम आपके सामने भी स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बना के बताएंगे, स्ट्रॉबेरी का नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे स्ट्रॉबेरी का नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम बनता है इसके अंदर से। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूंगा किस टाइप का आइसक्रीम बनेगा। जैसे आप मजार में हेमोरे वाडीलाल उस टाइप का क्यूब खाते होगे, तो वो हिसाब का आइसक्रीम इसमें से बन सकता है। आप देखिए पूरा इसको, एक कैटलॉग है हमारा, ये मशीन है, ये हार्ड आइसक्रीम मशीन है और इस टाइप का आइसक्रीम बनेगा इसके अंदर से। आप देखिए जो क्यूबिंग करके निकलता है ना, इस टाइप का क्यूब करके निकलता है। आप देखिए दोस्तों, आपने बाजार में भी क्यूबिंग करके एक कप खाया होगा, 50 रुपए 60 रुपए 80 रुपए का एक क्यूबिंग खाया होगा, तो वही हिसाब का क्यूबिंग आइसक्रीम इसके अंदर से मेक होता है। आप 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर का बाउल बना के होलसेलिंग में बेच सकते हो और अपना एक रिटेल काउंटर है तो वहां पे भी क्यूबिंग बना के फ्रीजिंग में लगा के आप सेल कर सकते हो बाजार में। सबसे पहले मैं दोस्तों इसका रेसिपी की बात करूं तो इस टाइप का इसका पाउडर आता है, ये आइसक्रीम पाउडर है। ये आइसक्रीम पाउडर हार्ड आइसक्रीम में भी चलता है और सॉफ्टी आइसक्रीम बनाने में भी चलता है दोस्तों। वैसे हमारी कंपनी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन भी सेल करती है और ये हार्ड आइसक्रीम मशीन न्यू प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्चिंग है। कई कस्टमर की डिमांड थी कि उनको नेचुरल फ्रूट वाला आइसक्रीम बनाना है, नेचुरल, जो सॉफ्टी के अंदर आप नहीं डाल सकते हो लेकिन इसके अंदर डाल सकते हो, मावा वाला फ्लेवर डाल सकते हो, मलाई वाला डाल सकते हो, रबड़ी कुल्फी का मटेरियल डाल के नेचुरल आइसक्रीम बना सकते हो उसमें से। 200 रुपीज का पर केजी पाउडर है, इसमें 4 लीटर नेचुरल मिल्क जाएगा दोस्तों, अमूल गोल्ड या स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का हाई फैट का मिल्क जाएगा इसके अंदर। 240 रुपए का मिल्क आएगा, 200 रुपए का पाउडर, 440 रुपए का, और 40 रुपए का कोई भी आप फ्रूट डालेंगे। जैसे अभी मैं 40 रुपए का एक बॉक्स ले, लेकिन एक बॉक्स पूरा नहीं जाएगा, आधा बॉक्स हो जाएगा इसके अंदर, आधा बॉक्स भी आप डाल सकते हो। इसलिए 40 रुपीज का ये आप नेचुरल कोई भी फ्रेश फ्रूट डालिए और 20 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी, टोटल 500 रुपीज के अंदर आपको 7 लीटर मटेरियल निकलेगा, 7 लीटर मटेरियल निकलेगा इसके अंदर। 5 लीटर आप डालेंगे उसको फुला के बढ़ा के 7 लीटर मटेरियल मशीन निकालेगी। 1 लीटर नेचुरल आइसक्रीम बनाने का खर्चा आपको 71 रुपीज में लैंड पड़ेगा। 1 लीटर आइसक्रीम 71 रुपीज में आपको पड़ेगा, 150 से लेके 200 रुपए तक मार्केट में सेल होता है दोस्तों। डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट है इसके अंदर, 70 के सामने 70, अगर 150 में भी आप पर लीटर सेल करते हो दोस्तों तो मैक्सिमम प्रॉफिट है। वैसे तो 200 रुपीज में भी कई एरिया में बिकता है, सेल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को टाइम गवाए बिना स्टार्ट करते हैं, कैसे बनती है रेसिपी, कैसे चलता है और कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहले हमने मटेरियल बना के रखा है, जो हम 4 लीटर मिल्क और 1 किलो पाउडर डालते हैं, मटेरियल हमने बना के रेडी रखा हुआ है। ये हमें थोड़ा बाउल के अंदर यहाँ पे इसमें लेंगे इसको, मटेरियल को आप देख सकते हैं, ये मटेरियल डाला इसमें। उसके बाद इसका नेचुरल जो स्ट्रॉबेरी है वो स्ट्रॉबेरी हम लेंगे इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी का थोड़े पीसेस करके इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के थोड़े पीसेस करके डाल देंगे उसके अंदर, हम जो नेचुरल स्ट्रॉबेरी है इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा, जब हम आपको लाइव खाली थोड़ा दिखाने के लिए ये चीज दिखाएंगे तो आपको इससे नॉलेज मिलेगा कि कैसे इसको आइसक्रीम बनाया जाता है इसमें। तो दूसरा पीस लेंगे स्ट्रॉबेरी का हम, ये भी हमने कॉमन फ्लेवर बनाया इसमें वेनिला, इसके साथ आप कोई भी फ्रूट मैच कर सकते हो, वेनिला के साथ कोई भी फ्लेवर मैच हो सकता है। जैसे आप बनाना डालेंगे, पाइनएप्पल डालेंगे, अगर कोई फ्लेवर्स पाउडर में अवेलेबल नहीं है तो आप वेनिला को एक कॉमन फ्लेवर यूज करके उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर का फ्रूट नेचुरल आइटम डाल के उसमें कंज्यूम कर सकते हो। टूटी फूटी भी डाल देंगे, हमने टूटी फूटी यहाँ पे लिया गया, आप देख सकते हैं
वो भी आइसक्रीम के साथ अच्छे से मिक्स होकर अंदर से निकल जाएगी। उसके बाद हम इससे थोड़ा ब्लेंडर से मेल्ट कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेल्ट हो चुका है, अभी हम इसको मशीन में से पसार करेंगे। जो मशीन हमारा ही है, जो हार्ड आइसक्रीम मशीन है, उसमें से बाईपास गुजारेंगे, उसमें से ये यहाँ पे मशीन है, इसका यहाँ पे ढक्कन दिया गया, इसमें मशीन में डालेंगे इसको, आप देख सकते हैं। तो बाउल में यहाँ पे फिलअप करेंगे, स्ट्रॉबेरी और क्रशिंग है उसके अंदर आराम से अल्टरनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका लिमिट है, आप देख सकते हैं, ये आप मैक्सिमम यहाँ तक ही भर सकते हैं, ये मैक्सिमम का लिमिट है, उससे ज़्यादा आपको नहीं भरना है। इसको हम ढक्कन को पैक कर देंगे और मशीन को चलाएंगे, थोड़ा इसने अंदर ले लेगा अच्छे से, आप देखिए यहाँ से पूरा अंदर ले लेगा। और अगर यहाँ से जाता नहीं है तो आप इसके लिए इसमें स्पून भी दिया गया है, स्पून से आप इसको अगर कोई झाड़ा मटेरियल है थोड़ा तो इसको लगा के यहाँ से आप डाल सकते हो इसे, आप देखिए इससे आप इसको लगा सकते हैं। नेचुरल स्ट्रॉबेरी के दाने आपको दिखते होंगे इसके अंदर, वीडियो के अंदर आप देखिए, जो इसके क्रशिंग हमने डाला है स्ट्रॉबेरी, उसके दाने दिख रहे हैं इसके अंदर। एंटर हो चुका है मिल, अभी हम इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे फ्रीजिंग का बटन है, आप देख सकते हैं ये फ्रीजिंग बटन है, ये दबाएंगे जिससे आइसक्रीम जमना चालू हो जाएगा। और टाइमिंग सेट करना है कितना आपको हार्ड करना है, अभी ये 25 मिनट्स का टाइमिंग है, 25 मिनट का, ये 25 मिनट के अंदर जम के रेडी हो जाएगा। अगर आपको कम रखना है, हार्डनेस कम रखना है, तो 20 मिनट रख सकते हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा रखना है तो 30 मिनट्स 35 मिनट्स। वन लोड के अंदर 2 लीटर मटेरियल बनेगा, 25 मिनट या आधे घंटे के अंदर आपका 2 लीटर मटेरियल तैयार होगा, और उसका बिजली रहेगा 1 यूनिट। वन शॉट बनाने के लिए 2 लीटर के लिए आपको 1 यूनिट पावर खाएगा बिजली मैक्सिमम, ठीक है। और उसको हम निकाल के ये कब लिया है इसके अंदर हम सर्विंग करेंगे। तो दोस्तों अभी हम 25 मिनट्स के अंदर आपके पास फिर से लौटते हैं, और इसके अंदर से सर्विंग करके आइसक्रीम निकाल के उसको कैसा बनता है वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। थैंक यू। अभी इसमें अभी हमने देखा था 25 मिनट्स था, अभी 1 मिनट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 01 का टाइमर दिखा रहा है इसके अंदर। अभी हम इसमें से आइसक्रीम निकालेंगे, थोड़ा सर्विंग करके आपको बताएंगे इसमें से। आप देख सकते हैं ये बाउल हमने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हैं पूरा ये आइसक्रीम बन के रेडी हो गया, देखिए पूरा आप देख सकते हैं पूरा। फ्रेश स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम निकल रहा है इसमें से, एकदम फ्रेश है। अभी हमने जो स्ट्रॉबेरी डाला वो भी इसके अंदर से ब्लिंकिंग होके आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरा। अभी हम इसको स्टॉप करेंगे थोड़ा, इसको लॉक कर देंगे यहाँ से, ये आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम निकला इसमें से। अभी इसके अंदर से हम नेचुरल, इसके अंदर थोड़ा टूटी फूटी ड्राई फ्रूट डालेंगे इसमें, ये आप देखिए पूरा, इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे इसको, आप इसका बॉक्स भी बना सकते हो, बंच भी बना सकते हो पूरा। इसके ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरी हम लगाएंगे इसमें, जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी है हमारे पास। आप देख सकते हैं पूरा, ये आपका डिश हो गया तैयार है हार्ड आइसक्रीम मशीन का। कोई भी आप नेचुरल इस टाइप का फ्लेवर्स बनाइए इसके अंदर,
आपका डिश रेडी हो चुका है। अभी वैसे ही हम थोड़ा दूसरा डिश भी निकालेंगे इसमें से, आपको क्यूबिंग करके भी बताएंगे इसमें से। देखिए पूरा हमने निकाला इसमें से। अभी आपको कोई क्यूबिंग करना है तो इसका क्यूबिंग भी है साथ में, एक क्यूबिंग है इसका, इस टाइप से आप क्यूबिंग भी कर सकते हैं। इस टाइप का बंच बना के, बॉक्स बना के अगर क्यूबिंग में आपको कहीं पे लगाना है इसको, तो ऐसे आप क्यूबिंग भी कर सकते हैं इसको। ये क्यूबिंग हो चुका है। हम देखिए क्यूबिंग हो चुका है। इसके ऊपर आपको चॉकलेट का टॉपिंग्स डालना है, जैसे चॉकलेट का टॉपिंग्स भी डाल सकते हो, चॉकलेट का टॉपिंग्स है हमारे पास, ये भी डाल के आप कस्टमर को सर्विंग करके दे सकते हो। तो दोस्तों हमने आपको इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन बताई कि इसमें आप अलग अलग नेचुरल फ्रूट से आइसक्रीम बना सकते हो। एक लीटर आइसक्रीम बनाने का खर्चा 71 रुपीस समथिंग रहता है, फ्रेश और नेचुरल आइसक्रीम। कोई भी फ्रूट का नेचुरल आइसक्रीम बनाइए दोस्तों, एक लीटर 70 रुपीस में आपको लैंड गिरेगा। सेलिंग प्राइस पर 150 रुपये एक लीटर का है, कई जगह पे 200 रुपये, 200 रुपये तक भी आप सेल कर सकते हो। तो डबल से भी ये मशीन के अंदर प्रोडक्शन करके दुगने से भी मुनाफा ज़्यादा है दोस्तों। तो इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी की मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी कंपनी के नंबर लिंकिंग हो रहे हैं, वहां पे आप कांटेक्ट करके मशीन की प्राइस, मशीन की ऑफर क्या है, डिस्काउंट क्या है, क्या कैसे मशीन चलती है, मशीन के साथ क्या क्या चीज कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, तो हर एक जानकारी डिटेल दे सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसको एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।